For more videos, please like, comment and subscribe. Hello friends, the Princess Base is again for you with a very interesting video. In this video, we will see how to use your unlimited data in your computer without Wi-Fi or old computer. इसका मतलब ये है कि हम अपने मोबाइल के डाटा या फिर एक्स्ट्रा डाटा को अपने कंप्यूटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट वाईफाई। फर्स्ट स्टेप ये है इसमें कि आप अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा या फिर इंटरनेट डाटा को ऑन कीजिए। सेकेंड स्टेप ये है अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए यूएसबी केबल के ज़रिए। थर्ड स्टेप है अपने मोबाइल में सेटिंग्स ओपन कीजिए। फोर्थ स्टेप ये है कि हमें मोबाइल सेटिंग्स में यूएसबी टेथरिंग को ढूंढना है। ये हमें वायरलेस सेटिंग्स में मिल सकता है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पर होगा। इसे ढूंढकर इसे आप ऑन कर लीजिए। स्टेप नंबर फाइव ये है कि यूएसबी टेथरिंग ढूंढकर इसे आप ऑन कर लीजिए। यूएसबी टेथरिंग को ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे इंटरनेट का सिंबल भी देख सकते हैं। आइए अब हम मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में कैसे यूज़ करना है इसे वीडियो के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंटरनेट डाटा ऑन कीजिए। अब आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स खोलिए, उसमें आप मोर वायरलेस सेटिंग्स में यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन ढूंढिए। ये देखिए मोर वायरलेस सेटिंग्स में आपको, मेरे मोबाइल में तो ये पर्सनल हॉटस्पॉट के नीचे ही है यूएसबी टेथरिंग, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है आपके लिए। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल तब होगा जब आप अपने मोबाइल को यूएसबी केबल से अपने पीसी या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। जब आप अपना मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे यूएसबी केबल के ज़रिए, तब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो गया है। अब आपको ये करना है कि आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। जब आप अपना यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन ऑन कर देंगे, तब आपका मोबाइल डाटा कंप्यूटर से शेयर होने लग जाएगा। आप यहाँ पर नीचे इंटरनेट का कनेक्शन स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका मोबाइल डाटा यानी इंटरनेट कंप्यूटर से शेयर हो रहा है या नहीं। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट इसमें कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम सर्च करके देख लेते हैं इंटरनेट पे कि वाकई हमने जो मोबाइल से इंटरनेट लिया है ये वर्क कर रहा है या नहीं कंप्यूटर पे। आइए अब हम देख लेते हैं। गूगल क्रोम हम ओपन करते हैं। ये हमने गूगल क्रोम ओपन किया। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर पर अंदर कवरेज नहीं आता मेरे मोबाइल में ठीक से, इस वजह से थोड़ा स्लो है। बट अगर आपके पास 4G नेटवर्क है, 3G नेटवर्क है, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा ये आपके पास। तो ये देखिए ये क्रोम खुल गया हमारा, मतलब गूगल खुल गया हमारा। अब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ हेलो यूट्यूब। ये हेलो यूट्यूब मैंने टाइप किया और ये देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया आपका यूट्यूब खुल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा इंटरनेट यानी मोबाइल डाटा कंप्यूटर से शेयर हो रहा है और कंप्यूटर पे भी चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।